स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे इजहार इश्क की। चलो आज खामोश प्यार को एक नाम दे दें, अपनी मोहब्बत को एक प्यारा अंजाम दे दें, और इससे पहले कहीं रूठ ना जाए मौसम अपने धड़कते हुए अरमानों की एक सुरमई शाम दे दें। जी हाँ, आज वैलेंटाइन डे है और इस दिन का कपल्स को बेसब्री से इंतजार रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, आज प्यार के नाम एक खास दिन जो है। कहते हैं जिसे भी प्यार का इजहार करना हो वो आज दिल खोलकर कर सकता है। वैसे प्यार करने की कोई तारीख मुकर्रर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आज के दिन को लोग खास मनाने में जुटे रहते हैं। आज इस खास वैलेंटाइन डे पर ऐसे कई लोगों की कहानियां लेकर आए हैं जिसे देखकर आप कहेंगे और अपने प्यार को जरूर याद करेंगे। इस खास पेशकश में मंत्री से लेकर डॉक्टर तक की प्यार की कहानी हम बताएंगे और उन्हीं की जुबानी उनके वैलेंटाइन डे की कहानी सुनाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम इजहार इश्क। वैसे तो हर दिन प्यार के लिए होता है, लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा ही खास है क्योंकि आज सबसे रोमांटिक दिन यानी वैलेंटाइन डे है। इस दिन का हर कपल को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में भला हमारे मंत्री भी कैसे पीछे रह सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी के लिए ये दिन बेहद खास है। करीब 6 साल पहले अशोक चौधरी की मुलाकात नीता चौधरी से हुई थी, तभी से इन दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा, जिसके बाद ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। हमारी शादी की 25 साल हो गई और उसके पहले 6 साल पहले हम मिले थे। 6 साल का कोर्टशिप था, मतलब हम बातचीत एक दूसरे को समझने का जो टाइम था वो 6 साल था। तो हमारा मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। धीरे धीरे फिर कमिटमेंट हुआ, फिर शादी हुई। तो एक पार्टी में हमारी मुलाकात हुई थी, एक बर्थडे पार्टी थी एक मित्र के यहाँ, उसके उसमें मुलाकात हुई थी और वहाँ से ये सिलसिला हम लोगों का शुरू हुआ था। फ्रेंड को वाइफ बनाना और फिर वाइफ से उसको फ्रेंड बनाना, ये एक, और जब तक पार्टनर जो है दोस्त नहीं बनेगा तब तक फिर जीवन जीने का मजा आएगा नहीं। तो अब अपने पार्टनर को जब दोस्त बना लेते हो, और दोस्त पहले आदमी बनता है तब फिर प्यार होता है, प्यार के बाद फिर होता है कि भाई हम लोग एक साथ कमिटमेंट होता है, फिर शादी होती है, उसके बाद फिर शादी के बाद जो है कि जो जिंदगी की झंझावट है उसमें एक गैप आ जाता है और उसके बाद फिर आपको यू हैव टू मेक रियलाइज़ कि योर पार्टनर हैज़ टू बी योर फ्रेंड। तो फिर आप उस जीवन को जीने में आसान होता है। प्यार तो है कि हाउ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, और जितना भी समय मिलता है, अगर आपको 2 मिनट ही मिलता है उसमें ही आप अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावना को व्यक्त कर पाते हैं, तो उनसे काफ़ी है। नीता चौधरी बताती हैं कि तब से लेकर आज तक कुछ नहीं बदला। ये दोनों अपने पहले वैलेंटाइन डे को अब तक नहीं भूले हैं। आज की तारीख में नीता चौधरी अशोक चौधरी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। जब अशोक चौधरी से मिले तब वो पॉलिटिशियन नहीं थे, ही वाज अ स्टूडेंट, एंड उसके बाद फिर ये बिजनेस में भी अपना लक ट्राई कर रहे थे। और बिजनेस मैं चाहती भी थी कि ये बिजनेस ही करे, बहुत उस समय नहीं था, इनका इंटरेस्ट था बट हमारा नहीं था ऐसा कि ये पॉलिटिक्स ही करे या कुछ ऐसा है। एक्चुअली आदमी उस समय उससे प्रभावित नहीं होता है, उस समय तो उसके नेचर से या उसके जेन्युइन है कि नहीं है या उसके एफर्ट से उससे आदमी प्रभावित होता है। अशोक चौधरी जी वही अभी तक हैं अशोक चौधरी जी, बट हाँ थोड़े बिजी हो गए हैं और ऑब्वियसली ये तो लाइफ का एक फेज है जो जा रहा है और हम साथ मिलके काट रहे हैं वही एज अ फ्रेंड। किया तूने क्या इशारा बदला, ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की कहानी भी कुछ अलग है। नितिन नवीन की प्रेम कहानी शादी के बाद शुरू हुई। पटना के बाकीपुर विधानसभा से विधायक होने के साथ साथ मंत्री के पद ने इनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी। ऐसे में वो अपना वैलेंटाइन डे कैसे खास बनाते हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी।
मैं तो मानता हूँ कि 365 दिन ही वैलेंटाइन होता है। अच्छा। चूँकि हम लोग के पास जितना समय बचता है उस समय को हम लोग यही मानते हैं कि हम लोग क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं देते हैं, क्वालिटी ऑफ टाइम देते हैं। व्यस्तता भी रहती होगी बहुत ज़्यादा, तो समय दे पाते हैं निकाल करके? अब ये तो कमी है, तो इस कमी को साथ ही जीवन को जीना है। लेकिन ये बातें मैंने पहले ही बता रखी थी कि मेरे लाइफ स्टाइल के बारे में आप जानते हैं ना, तो इनका जवाब था कि हम भगवान पर छोड़े हुए हैं। अब भगवान से ही इनको पूछना है, हमसे तो पूछने का कोई हक नहीं है। नितिन नवीन की हमसफर भी वैलेंटाइन डे का खास तौर से इंतजार करती हैं, लेकिन समय के अभाव में उनकी कसर बनी ही रहती है। लेकिन जब भी उनको समय मिलता है वो अपने हमसफर के साथ प्यार के दो पल बिताना नहीं भूलती। क्वालिटी टाइम देना चाहिए, तो सही में क्वालिटी टाइम हम बिताते हैं। और हम लोग एक बहुत अच्छी टीम है। अच्छा। सबसे हस्बैंड वाइफ की सबसे अच्छी बात होती है कि वो एक टीम होता है, तो वी आर सच अ गुड टीम कि हम लोग किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा। और आपसी विश्वास हो, उससे ज़्यादा क्या चाहिए आप भी आदमी को। बाहर घूमना, तो जब साथ ही रह रहे हैं बाहर वो घूमने जाते हैं ना, जो लड़के लड़कियां मिल नहीं पाते हैं वो घूमने जाते हैं। हम लोग तो जो हमेशा ही साथ रहते हैं, तो ऐसा घूमने का जब होता है तो पूरे परिवार के साथ जाते हैं। वैलेंटाइन डे मतलब ये तो नई पीढ़ी है, या हम लोग भी देखते आ रहे थे कॉलेज के ज़माने से जब ये होता था, लेकिन टीनेजर्स के लिए ये लगता है कि है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है, तो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, और आपसी सामंजस्य होना, विश्वास होना, ये ज़्यादा मैटर करता है उस समय। घूमना और रोज़ और केक, उससे कहीं ऊपर चले जाते हैं हम लोग। वहीं आज के दिन हमारे पास डॉक्टरों से जुड़ी भी दिलचस्प कहानी है। बिहार के जाने माने डॉक्टर बी झा मृणाल की प्रेम कहानी भी शादी के बाद शुरू हुई। मृणाल और उनकी पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं और अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। मृणाल बताते हैं कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को देखा तक नहीं था। देखिए, ये हम लोग जो फैमिली है हम लोगों की, मेरे रिलेशन में भी आती हैं मेरी वाइफ, ये तो और लोग जानते थे उनको, हमने नहीं देखा, हम लोग एक दूसरे को नहीं देखे थे, लेकिन परिवार में सब एक दूसरे को जानते थे। और लास्ट मोमेंट तक हम लोग की जब शादी हुई थी, तो मैं MS कर रहा था और मेरी वाइफ का फर्स्ट MBBS की एग्ज़ाम दे रही थी, इसलिए उनको लास्ट मोमेंट तक नहीं बताया गया था, और शादी के 10 दिन पहले ही पता चला था इस बात का। वैलेंटाइन डे प्यार का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, और कोई एक दिन ऐसा नहीं, 365 दिन में आप एक दिन प्यार करते हैं और हर दिन झगड़ते हैं, सो नहीं है आपको प्यार, मतलब निरंतर है, सतत है, और ये शाश्वत है। और जो हमारी जो परंपरा है, जो हमारी जो हमारे जो प्यार में हमको सिखाया गया है, जो हमारी परंपरा संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से प्यार हम लोगों का जो ये है, एक शाश्वत है। और प्रेम तो हर एक मानवता के लिए प्रेम हमें सिखाया जाता है, और जो हमें मिला है, जो दाम्पत्य जो जीवन है हमारा, वो भी हम लोग एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। वहीं मिसेज मृणाल कहती हैं कि उन्होंने जैसे पति की कल्पना की थी, उनके पति उससे कहीं बेहतर हैं। मुझे इतने अच्छे हमसफर की उम्मीद नहीं थी, जैसा कि मैं पहले सोचती थी कि मैंने देखा भी नहीं था, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि पता नहीं कैसा होगा ये, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो मेरी शादी थोड़ी अर्ली हो गई, तो मुझे ये सब कहने का या सोचने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन बाद में एहसास हुआ, जब मैं थोड़ी मैच्योर हुई, तो मुझे एहसास हुआ कि शायद इससे अच्छा मेरे लिए नहीं हो सकता। देखिए, भगवान की पूजा तो रोज़ दिन की जाती है, आप एक दिन जैसे आप समझते हैं कि एक दिन दुर्गा पूजा, लेकिन पूजा तो रोज़ होती है। उसी तरह प्यार है, प्यार में झगड़ा, प्यार सिर्फ यही है ना कि एक दूसरे को ही प्यार करना प्यार नहीं कहते, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को आप निभाते हुए यदि आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पटना के कुमार नरेंद्र और तान्या की कहानी बिल्कुल फिल्मी है।
कुमार नरेंद्र 90 के दशक में आगे की पढ़ाई करने रूस गए। वहीं उनकी मुलाकात तान्या से हुई। फिर क्या था, नरेंद्र और तान्या के बीच 14 सालों तक प्रेम संबंध चला। साल 2005 में दोनों ने शादी कर ली। वहाँ से जाने के समय ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वहाँ पे ही हमारी शादी होगी, कुछ मोहब्बत होगी, शादी होगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा हो चुका है। तो क्या कहते हैं कि जो होना है वो तो अपने ही रोक सकते हैं। तो कैसा, जब प्यार हुआ तो फिर परिवार वाले तो परेशान होंगे कि भाई वहाँ जा कर के कैसे प्यार कर सकता है वो। जी हाँ, शुरुआती दौर में तो हुई थी इस तरह की कि कौन है, कैसी है, हमारा कल्चर जानती है कि नहीं जानती है, हमारे लैंग्वेज जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हमारे संस्कार जानते हैं कि नहीं जानते हैं। लेकिन धीरे जब पता चला कि नहीं, इन्होंने सब कुछ अडप्ट कर लिया, सब कुछ सीख लिया है, तो फिर अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम मुलाकात हमारी सिटी में रहती हैं, जहाँ हम पढ़ने गए थे, मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर कुर्स्क नाम है शहर का। तो वहाँ पे एक पार्टी के दौरान मुलाकात हुई उनसे, और उसी फिर एक मुलाकात हुई, फिर आगे मुलाकात हुई, और फिर सिलसिला बढ़ते गया मुलाकात का। लेकिन 14 साल इंतजार किए, उसके बाद हम लोगों ने शादी की। जी, तान्या जी के परिवार वालों को कोई आपत्ति नहीं? जी नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी, वो लोग बहुत खुश थे और खुश हैं अभी भी। तो कोई नहीं सोचता था कि उस समय तो इंडियन बहुत कम थे, हम लोग तो इंडियन को सिर्फ मूवी में देखते थे। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती मूवी देखने जाते थे उसमें हॉल में मूवी, सिर्फ वही मिथुन चक्रवर्ती का मूवी दिखा रहे थे उस समय। हम लोग स्कूल से जाते थे, उस समय तो 10 रुपए का मूवी था, रोज जाते थे स्कूल के बाद मूवी देखते थे। तो उस समय इंडियन लोग को कभी देखते थे नहीं कुर्स्क में। कुर्स्क छोटा सिटी है, इसलिए और प्रॉब्लम है, विदेश लोग को कम देखते थे, इसलिए कभी सोचते थे नहीं। आदमी अच्छा था। घर में घर वाले परिवार वाले बोले कि ठीक है, ओके जाओ आसानी से इंडिया? हाँ, परिवार वाले बोले तो शादी हो गया तो जाना ही पड़ेगा, हस्बैंड कहा जाएगा तुमको जाना पड़ेगा। फैसला तो अच्छा हो गया, परिवार अच्छा हुआ, मेरी बेटी भी हुई, सब तो अच्छा है। अच्छा है। तो इनका परिवार भी बहुत अच्छा है। शादी के बाद नरेंद्र और तान्या की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। बाद में साल 2012 में दोनों ने इंडिया शिफ्ट होने का फैसला लिया। इस वैलेंटाइन डे दोनों जोड़े अपनी शादी के दिनों के वीडियो को देखकर ही अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। आज वैलेंटाइन डे है, लिहाजा पटना चौक चौराहों पर भी वैलेंटाइन डे का खुमार छाया हुआ है। सभी चौक चौराहों पर गुलाब के स्टॉल लगाए गए हैं। आज गुलाबों की मांग बाकी दिनों की तुलना में बढ़ गई है और इसकी कीमत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई कलर के गुलाब की भी जबरदस्त बिक्री हो रही है। कल मोहब्बत के इजहार का मौका है, यानी कल वैलेंटाइन डे है, और इसके लिए राजधानी पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर स्टॉल लगाए गए हैं और गुलाब फूल की जो बिक्री होती है वो देखी जा रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है पटना के बोरिंग रोड चौराहे की, जहाँ पे गुलाब लगाए गए हैं, गुलाब के स्टॉल लगाए गए हैं और लोग बकायदा इसे खरीदने के लिए आ रहे हैं। दूसरे दिनों की तुलना में आज गुलाब की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, और आज ये जो मेरे हाथ में गुलाब दिख रहा है आपको, जो लाल गुलाब है, इसकी कीमत जो है 30 रुपये है। उसी तरीके से ये गुलाबी कलर का है, कई रंगों के गुलाब हैं। दरअसल जो प्रेम होता है उसे इजहार करने का तरीका गुलाब ही होता है। सबसे शानदार जो फूल माना जाता है उसे गुलाब ही माना जाता है। ये बताइए भैया, कैसी बिक्री है गुलाब की? रेड वाला 30 रुपये है, कलर वाला सब 40 रुपये पीस है, पिंक येलो सब 40 रुपये। लोग लेने के लिए आ रहे हैं गुलाब, और क्यों लेने के लिए आ रहे हैं? आज तो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे कल है, इसके लिए मार्केट कल ही चलेगा, आज वैसा मार्केट नहीं है। हाँ, लेने के लिए आ रहे हैं। आप साफ तौर से देखिए, यहाँ पे गुलाब की जो वेरिएशन है, यहाँ पे है लाल गुलाब, ज़्यादा मांग होती है, लेकिन लिहाजा जो गुलदस्ता है वो तैयार किया गया है। एक गुलदस्ता में कई रंगों के गुलाब हैं, लाल गुलाब, पीला गुलाब, गुलाबी गुलाब, यानी कहा जा सकता है कि राजधानी पटना जो है इस वक्त यहाँ पे प्यार का खुमार छाया हुआ है, और लोग जो है
गुलाब लेने के लिए काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और गुलाब की बिक्री भी दूसरे दिनों की तुलना में अन्य दिनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया पटना। छपरा में वैलेंटाइन डे को लेकर युवाओं में उत्साह का माहौल है। वैलेंटाइन डे पर युवाओं की पहली पसंद गुलाब होता है। ऐसे में बाजार में गुलाब फूल की डिमांड बढ़ गई है जिसके चलते ये आउट ऑफ मार्केट हो गया है। ऐसे में फूल दुकानदार भी परेशान नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर युवाओं से बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। छपरा के बाजारों में जो है ये तरह तरह के प्राकृतिक फूल युवाओं के लिए पहली पसंद बने हुए हैं। युवा इसे देख रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, और लेकिन क्या सोचते हैं छपरा के युवा, हम आपसे जानेंगे क्या सोचती हैं। वो अपने फैमिली को दे सकते हैं, अपने प्रियजनों को दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कपल्स को जरूरी है, और मम्मी पापा भाई बहन सबको दे सकते हैं, जो हम लोग संबंध में जो क्लोज है उनको दे सकते हैं फूल। हम लोग प्यार जहाँ हो वहाँ ये दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि कपल को दे सकते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल फूल जो है इसको लेकर दुकानदार बड़ी मायूस है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि कैसी बिक्री है आपकी। बिक्री तो बहुत डाउन है भैया। कारण यही कि जो सोचा था कि वैलेंटाइन पर फूल बिकता है, सबसे ज़्यादा फूल ही आर्टिफिशियल भी बिकता है, लेकिन आज के समय जमाने में 75% ये असली का फूल बिकता है, लेकिन 100% भी आर्टिफिशियल ही बिकता है। तो हम लोग जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ हम लोग के पास। हम लोग तो कोरोना से मुक्ति नहीं पा रहे हैं, हम लोग अपना धंधा लगा रहे हैं, उन्नति नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो इस धंधे में जुड़े हैं वो परेशान हैं। उनका ये कहना है कि आर्टिफिशियल फूलों की जो है ये मांग नहीं है, लोग प्राकृतिक फूल से अपने प्रेम को जो है सुगंधित करने के प्रयास में हैं। और हालांकि छोटा शहर है इसलिए युवक युवतियों में जो है एक तरह से जो कहा जाए संस्कारों का बंधन ये अब भी जो है ये हावी है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया छपरा। जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर कुछ प्रेमी युगल पब और क्लब जा रहे हैं, वहीं कुछ युगल ऐसे हैं जो अपने इतिहास और संस्कृति को जानने के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी कर रहे हैं। ऐसे ही कई प्रेमी युगल वैलेंटाइन डे के मौके पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। स्पेशल डे मनाना चाहते हैं, जैसे कल हम भ्रमण किए मांझी द माउंटेन मैन का प्लेस, जो एक प्रेम का प्रतीक है। वैलेंटाइन भी एक प्रेम का प्रतीक होता है, जो आप अपने स्पेशल वन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्यार का वो पल बिताना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे था और मैंने सोचा कि वैलेंटाइन डे में हमारे बिहारी इतिहास को कंजर्व करने के लिए घूमे फिरे लोग, रेस्टोरेंट और पब बार में जा रहे हैं, हम अपने इतिहास को खंगाल रहे हैं। चलिए फिलहाल इजहारे